दोस्तों कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में कि क्या बड़ी खबर निकल कर आई है कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आज की कोई सी भी जानकारी को मिस मत करना। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 से जुड़ी ऐसी ताजा खबरों को सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में आपको क्या जानने को मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा जिन राज्य में अभी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द नहीं हुई है वहां पर 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कब तक होगी और आपके कितने परसेंटेज मार्क्स तक बन सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से बात कर लूं जिनकी अभी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द नहीं हुई है, उनको क्या करना है। बाद दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपके कितने परसेंटेज तक आ सकते हैं। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जैसे ही CBSE बोर्ड ने अपनी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया उसके बाद एक एक करके कई राज्य के बोर्ड अपनी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करते जा रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों सभी राज्य CBSE बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे CBSE ने अपने एग्जाम कैंसिल करे वैसे ही ICSE ने भी करे और अब UP बोर्ड ने और महाराष्ट्र बोर्ड ने भी कर दिए हैं। दोस्तों मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके भी एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि दोस्तों एक एक करके आप सभी देख रहे हैं कि दो दिन में बहुत सारे राज्यों ने अपने 12वीं के एग्जामों को कैंसिल कर दिया है। दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि आपकी कितनी परसेंटेज बन सकती है और किस आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। दोस्तों आपकी अच्छी खासी परसेंटेज बनेगी क्योंकि दोस्तों आपको नंबर मिलेंगे जो 12वीं में आपने एक्टिविटीज करी है। जैसे दोस्तों आपने प्री बोर्ड दिए होंगे, आपने अगर दो प्री बोर्ड दिए होंगे तो उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स जिसमें आए होंगे उसी के नंबर जुड़ेंगे। और दोस्तों क्योंकि ये नंबर स्कूल वालों के हाथ में होते हैं इसीलिए बच्चों के फेल होने के चांसेस तो ना के बराबर है। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जैसे ही कोई नई खबर निकल कर आएगी मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, इसीलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना।